हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में वर्ण, जो हिंदी का एक टॉपिक है, हिंदी ग्रामर का, उससे रिलेटेड वर्कशीट देखेंगे। इससे पहले के जो वीडियो है उसमें हमने देखा था वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के उदाहरण और उनके भेद, और किस टाइप से वर्णों को बांटा गया है, कैसे हम वर्णों को लिखते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप बच्चों को पहले वो वीडियो अच्छे से सिखाएं और दिखाएं, उसके बाद ही आप उन्हें वर्कशीट बना कर दें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। हो सकता है यहाँ पे ऑप्शंस दिए हों और कई बार ऑप्शंस नहीं भी होते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है डैश, वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं वर्णमाला। वर्णों को मिलाकर बनते हैं शब्द। शब्दों को मिलाकर बनते हैं वाक्य। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई बॉक्स हो जिसमें ये सारे ऑप्शंस दिए हों, जैसे वर्ण, वर्णमाला ऐसे दिया हुआ हो बच्चों को और छांट के उन्हें लिखना हो, और सिंपली बिना कोई हेल्प बॉक्स के भी उनको ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन शब्दों के वर्णों को अलग अलग लिखें। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत बार बच्चों से पूछे जाते हैं और बच्चे इनमें सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की ही आप बच्चों को बार बार प्रैक्टिस दें। देखिए, जैसा कि हमने वर्ण वाले जो वीडियो था उसमें भी देखा था कि कोई भी व्यंजन अपने आप में अकेला नहीं होता है, उसके साथ एक स्वर जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ डा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड। ड को लिखने के लिए ये होता है आधा ड प्लस उसमें है हमारी आ की मात्रा, ठीक है, प्लस ल भी आधा है और उसमें है हमारी, देखिए कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। ये हो गया वर्ण विच्छेद इस डाली शब्द का। अगला आप देख सकते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल, कपड़ा क आधा प्लस अ, तो ये हो गया पूरा क प आधा और उसके साथ भी प्लस अ, तो ये बन गया प। फिर ड आधा और उसके साथ आ, तो बन गया कपड़ा। अगला देखते हैं एक और उदाहरण, भाषा भ प्लस आ, श प्लस आ, बन गया भाषा। ओके, इस टाइप से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप बच्चों को दे सकते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए एक और देख लेते हैं, पुस्तक है तो प आधा, उसमें छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है, तो छोटा ऊ है ये वाला, प्लस सर आप देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे हाफ ही है, तो सिर्फ यही लिखेंगे, उसके साथ हम अ नहीं लगाएंगे, तो हाफ, फिर अ प्लस क और अ, तो पुस्तक। इस टाइप से इसी के ऑपोजिट भी देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वर्ण विच्छेद दिया होगा आपको वो शब्द बनाना है। देखिए ब और अ, तो बन गया ब ह ह, और न के साथ है यहां पे ए, तो न और फिर ए है और ए के ऊपर आप देख रहे हैं बिंदी है यहां पे, तो ऐसे, ठीक है, तो बन गया बहने। ये जो चंद्र बिंदी है इसके लिए भी हम बिंदी ही यहाँ यूज करेंगे बहने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसा कोई शब्द नहीं होता है इस टाइप का, ठीक है, तो सिर्फ बिंदी ही यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए म ठा, यहाँ पे ई है उसके साथ, म के साथ ये देखिए ई है, कौन सी ई है, छोटी है, तो मी, ठ फिर आ तो ठा, और फिर ई, खाली ई है, उससे पहले कोई व्यंजन नहीं है हमारा, तो ये तो हो गया ठ के लिए, ये म के लिए और ये खाली ई। इस टाइप से आप पेयर बना बनाकर ही वर्ण विच्छेद करेंगे, और वर्ण विच्छेद से जो शब्द है वो भी आप ऐसे पेयर बना बनाकर ही लिखेंगे। लास्ट में अगर कोई स्वर अकेला बच जाएगा तो वो ऐसे लिखा जाएगा। अगला देखिए, च और ई, और ई कौन सी है, छोटी, ची, ड और ई,
ये कौन सी छोटी, ये वाली, ओके, एन य और आ, या चिड़िया, ठीक है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करो, ये प्रैक्टिस के लिए आ सकता है कि बच्चों ने अभी तक क्या सीखा है। ये देखिए, अनुस्वर, अनुनासिक, इसमें से कौन सा है, विसर्ग कौन सा है, आगत कौन सा है, वो बच्चों को पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुस्वर। तो अनुस्वर है हमारा सिर्फ जो बिंदी होती है, अनुनासिक जो चंद्र बिंदु के साथ होता है, विसर्ग जो दो डॉट्स होते हैं, और आगत ये वाले आज फ, ये सारे। इसी का एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आगत के दो शब्द लिखें, जैसे आगत के दो शब्द हम लिख सकते हैं डॉक्टर, चाक, ठीक है। ऐसे ही अनुस्वर के दो शब्द हम लिखेंगे रंग, दंग, ढंग, बंदर, जो भी। अगला देखिए अनुनासिक, तो इसके लिए हम लिखेंगे चांद और बांसुरी, इस टाइप से। और भी कोई भी शब्द अगर आपको आता है वो आप लिख सकते हैं। अगला देखिए विसर्ग का, प्रातः, अतः, ये सारे। तो ये थी वर्णों से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बच्चों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।